बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, मैं ये शर्ट काटने लगी हूँ। एयरलाइन कमीज़ है जिसका मैंने तीरे का साइज़ लिया है। ठीक है, जितना आपने रखना है उतना रखिए। मैंने रखना है 14 इंच। ठीक है, मैं 7.5 काटूँगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा और 7 इंच ही मैं बाजू की मोटे की कटाई करूँगी, शोल्डर से लेके छाती तक जो साइज़ होता है। और छाती का ये साइज़ लेंगे, मैंने इधर से 19 इंच रखना है, ऊपर से लेके नीचे कमर तक 15 इंच का होता है। और कमर का साइज़ है 7.5, 15 इंच मैं रखूँगी। ठीक है, और ये कटाई का और ये सिलाई का निशान लगा लूँ। एयरलाइन मैंने बना लेनी है, कमीज़ फ्रॉक टाइप का बन जाएगा ये। और ये कटाई की और सिलाई की ऐसे दो डबल मैंने निशान लगा लिए है नीचे तक। ठीक है, जितने चौड़ाई है शर्ट की उतनी ही मैं रखूँगी। ठीक है, और ये पीछे वाला है, अभी दोनों मैं इकट्ठे करूँगी, कटिंग कर लूँगी, बाद में फिर आगे वाले की कटिंग करूँगी। नहीं, जैसे मैंने एक जैसा कर लिया बॉर्डर और ऊपर से तेरे की कटिंग कर लूँगी। सीधा लेके तो आधा इंच इधर से करना है, शोल्डर से आधा इंच इधर बाजू लगाते हैं उधर, आधा इंच थोड़ा सा तिरछा कटिंग करते हैं, फिटिंग अच्छी आती है ये शर्ट की। और ये कटाई करने लगी हूँ, दोनों की इकट्ठी मैंने पहले करनी है। ये सिलाई के और कटाई के दोनों निशान लगाए हुए, मैं कटिंग का वाला निशान पे कटिंग करूँगी। आप भी पहले सारे निशान लगा लीजिएगा फिर कटिंग करिएगा। मैंने एयरलाइन फ्रॉक का ये स्टाइल बनाना है, जो अंगरखा स्टाइल, ये मैंने अंगरखा की कटिंग नहीं करनी लेकिन स्टाइल वो बनाऊंगी। या मैं आगे वाला जो बाजू है छाती की तरफ से ये कटिंग करूंगी। ठीक है, ये 1 इंच का दरमियान से ऊपर से भी बराबर कर लेने, नीचे से जिधर सिलाई लगाते हैं बराबर करते हैं, बस जिधर दरमियान वाला हिस्सा होता है उधर 1 इंच कटिंग करनी है। ठीक है, राउंड शेप में, और जिधर सिलाई करनी है उधर से बराबर ही रखना है हमने। दोनों को मैंने निशान भी लगा लिया जिधर जिधर से मैंने सिलाई लगानी है। और ये देखिए, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। ठीक है, इधर से आपने चेक कर लें, कोई कमी पेशी हो तो वो निकाल लेनी है। ज़रा सब तिरछा सा मैंने ये सही कर लिया है। अब ये कटिंग हो गई हमारी, एयरलाइन फ्रॉक है और ये अंगरखा स्टाइल बनाऊंगी मैं। ठीक है, अब ये मैं गले की कटिंग करने लगी हूँ। ये बड़ी बच्ची नहीं है, स्मार्ट है, छोटी है, 16-17 साल की बच्ची। ये गले का साइज़ 3 इंच इधर से लिया चौड़ाई से, और ये 9 वी गला बनाना है, 6 इंच लेना है। अगर हमारे जैसे बड़ा ही कोई औरत हो उसका हम 7 रखेंगे। ठीक है, यस, 1 इंच का आगे से लेके तो ये कटिंग कर लेनी है। ऊपर से 3 इंच लिया है, नीचे से 6 इंच लिया, ऐसे कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल सीधा है। वी गला बनाना है, जो अंगरखा स्टाइल होता है उसके ऊपर हमेशा वी ही गला बनता है क्योंकि वो स्टाइल बनाना होता है। ये अब मैं कपड़ा लेके सादा तो उसके साथ जोड़ लूँगी, और जो 7 वाली पट्टी हमारी जो बच गई है हमने उसका स्टाइल बनाना है। ठीक है, ये मोटे की जो कटी है उसके ऊपर मैं ये चेपी जोड़ लूँगी गले के लिए जो मैंने कटिंग की है। ठीक है, ये पहले इस्त्री के साथ सारा प्रेस कर लूँगी, चेपी जुड़ जाए साथ, इसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रख के करनी है। ठीक है, कि सिलाई के लिए आधा इंच के लिए वो छोड़नी है हमारी जो सिलाई लागत में, फिर हमने इसको तुरपाई करनी होती है, ऐसे फोल्ड करके इस्त्री कर लेनी अच्छी तरह।
के ऊपर सिलाई लगानी है। पहले इसको सिलाई लगा देते हैं, फिर शर्ट के साथ जोड़ते हैं, फिर सफाई आ जाती है। मैंने अच्छी तरह कर ली है। आप ये इसके सेंटर को, शर्ट को भी मैंने प्रेस कर लिया थोड़ा सा, इसकी सेंटर जो हमें मालूम हो जाए। अब इसको पीछे वाले को पीछे कर देना, आगे वाले को ये निशान लगाने हैं, कट का निशान लगाना दरमियान से, ठीक है। प्रेस अच्छी तरह कर लेना। लाउन के कपड़ों को खास कर करते हैं, ये दरमियान में कट लगाया हुआ है। और शर्ट को भी पकड़ के ऐसे कट लगा लेना है, दोनों को सामने रख के फिर हमने सिलाई करनी है। ये मैंने सारे ये निशान लगा लिए। ऐसे मैंने चेपी का कटिंग की है, वैसे ही मैंने इधर निशान लगाया है। और ये जो निशान है अंगरखा स्टाइल बनाते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे प्लोई डालते हैं ना 11 इंच का ऊपर से लेकर नीचे तक, और इधर से 4 इंच का चौड़ाई से 4 इंच का, लंबाई से 11 इंच का निशान नुक्ता लगा लेना, निशान लगा लेना आपने, ठीक है। और इधर जो स्टाइल बनना है ना, इस नोक के ऊपर बनना है, ठीक है। ये मैंने इधर भी निशान लगाया, वो मैंने उल्टा लगाया था, मैं सीधा लगाने लगी हूँ। ऊपर से भी मैंने निशान लगा लेना है कि जिधर तक गला आना है, ताकि वो जब मैं डिज़ाइन बनाऊँगी ऊपर कपड़ा लगाना है साइड पे, जो बच्चा है बॉर्डर की तरह का कपड़ा है, तो जो मैंने शलवार के पौचे के भी लगाया है और ये इधर भी लगाने लगी हूँ, ठीक है। अब ये निशान सीधा सीधा लगा लेना है, पहले गले का ऐसे लगा रहे हैं, फिर जिधर से वो नोक मैंने नोक पे लगाया था, जिधर प्लोई के नोक आती है 11 इंच पे, ऊपर से लेके ऐसे सीधा लगाना है। और ऐसे ही चार चौड़ाई से 4 इंच हमने रखा था, उसी हिसाब से नीचे तक लगाना है, दरमियान से 4 इंच तक, ये देखें 4 इंच तक, ठीक है। ऐसे 4-4 इंच तक नीचे तक निशान लगा लेना है, ठीक है। ये साथ साथ मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे कपड़ा ऊपर लगाऊंगे। ये देखें कपड़ा मैंने आपको दिखा दिया है, ये साइड से कपड़ा बचा था, ये बॉर्डर है उसका मैं डिज़ाइन बनाने लगी, ठीक है। अंगरखा स्टाइल, यस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये थोड़ी शॉर्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। शर्ट कैसे सीते हैं, जो मैंने सारी अपलोड की हुई है, दूसरी वीडियो में आप मेरी देखिए। वैसे बाजू की सिलाई कैसे लगाते हैं, मोटे की सिलाई कैसे लगाते हैं, ये देखें, ये वी का मैं बना रही हूँ। ये ऐसे स्टाइल बनाना है, तो इसको ऐसे मैंने पहले चेपी लगा लेनी है, सीधी सिलाई लगाऊंगी पहले। जब मैं कट का निशान लगाया उधर से लेके नीचे तक, इधर नीचे भी मैंने निशान लगाया हुआ है, इधर तक मैं निशान लगाऊंगी, सिलाई लगाऊंगी, सिलाई सीधी लगा ली। इससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होता। अब मैं गले का जो सिलाई है वो लगाऊंगी, एक पैर की चेपी के ऊपर लगाऊंगी, एंड पे चेपी के एंड पे, बड़े अच्छी सफाई आ ना। ये लगा लिए मैंने, ये कटिंग करने लगी फालतू कपड़ा, थोड़ा सा मार्जिन रखना है जो सिलाई का हमने रखना है, एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा हमने कटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा नहीं कटिंग करते कि वो कपड़ा पहनने वक्त निकल जाता है। अब सीधा कर लेना है, इसको सीधा करके हमने तो पहन लेनी है, ठीक है। तो पाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए तो पाई कर ली है मैंने, ठीक है। तो पाई करके अब मैं ये मैं कपड़ा लगाने लगी हूँ। पहले हम उल्टी साइड पे, तो हमारा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा लगाना है, वी तक वी से थोड़ा सा आगे करना है, कटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने राइट साइड पे लगा के, तो ये डबल सिलाई लगानी है। अब ये दोनों तरफ से मैंने ये लेस लगाई है, एक येलो और एक ब्लू, ठीक है। और दूसरी तरफ भी मैंने येलो और ब्लू लगाई है। बस जिधर अंगरखा स्टाइल बनाया उधर तक मैंने ऊपर से येलो लगाई है और नीचे से ब्लू या पूरी लगा दी। अब यह बाजू का स्टाइल बनाने लगी हूँ, येलो पी वाला बनाना है स्टाइल, दरमियान से बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। ये ऐसे करके फोल्ड कर लेना है 4 से करके, तो हमने ऊपर सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये सारी मैंने तैयार कर ली हुई है, सारी तैयार कर ली हैं,
अब इसको मैंने कटिंग करना है सारी तैयार करके 3-3 इंच की, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। आधा इंच उधर चले जाएगा, आधा इंच उधर चले गए, 2 इंच दरमियान से रखनी है, ठीक है, जो नज़र आ जाए डिज़ाइन हमारा। 3-3 इंच की हमने कटिंग करके तो रख लेनी, सारी कटिंग कर लेनी है हमने, पहले तैयार करके रख लेनी है, फिर हम ये बनाते हैं। ये कटिंग करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, बाजू की उल्टी साइड सीधी साइड पे हमने ऐसे करके रखना है, सीधी साइड रखनी है, क्योंकि ये फिर हम सीधा करेंगे तो वो उल्टी साइड पे चला जाएगा, सीधी साइड पे रख के करनी है। रबर सिलाई लगानी है पहले, अब सिंगल सिलाई से थोड़ा सा तिरछी रख के करनी है। ये देखें जैसे मैं रख रही हूँ ना, आप लोगों ने भी ऐसे ही रखनी तिरछी, क्रॉस जैसे बनता है ना क्रॉस वैसे। ये देखें इस तरह ये पूरी तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तैयार की हुई है, एक मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये दो दो मैंने क्रॉस ब्लू के लगाए हैं, एक मैंने वाइट का लगाया क्रॉस, ठीक है। ये डिज़ाइन ब्लू और वाइट थे। ये देखें अब ये पूरी लुक देखें, ये देखें बाजू कितने प्यारे बने हैं, मुकम्मल रुक इसके देखें। ये मैंने वो डोरी लगाई है जो मिलती है बाज़ार से, और ये देखिए कितना प्यारा बना है ये फ्रॉक। ये बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड का भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये देखिए कितना प्यारा फ्रॉक बनना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो हमें याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।